हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और क्योंकि हमको जाना है अहमदाबाद, थोड़ा सा काम भी है और थोड़ा डॉक्टर का भी काम है। तो अभी बज रही है सुबह की 5 बजे उठना था, पर चिकू ने बोला 5:30 उठते, फिर 5:30 उठते उठते वो और लेट हो गए, तो वो एक्चुअली लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमको अभी 6 बजे निकलना था और मैं कंप्लीट रेडी हूँ, तो सारा थोड़ा सा मैस हो गया। सो डायरेक्ट अब गाड़ी में जाके मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी जल्दी में हम, इसलिए। और एक चीज़ और साथ साथ में ऐड हो रही है, क्या ऐड हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा ये एक सूटकेस थी जो कि चिकू ने शादी में ख़रीदी थी, और वो लगभग 4 साल से डैमेज हुई हुई पड़ी हुई है, तो उसी को आज साथ में ले जा रहे हैं, वो वारंटी में है तो उसको भी सही करा देंगे। ऊपर जाती हूँ, निकालती हूँ। नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, पर इसकी शादी के टाइम पे चेन पूरी टूट हुई थी, तो इसको रिपेयर कराना है। क्या आप बता, किसकी टेपर लगी जो आज तक काम नहीं आ रही है, आज इसको सही कराते, अब आगे देखेंगे काम आती नहीं आती। हम निकल चुके हैं अहमदाबाद के लिए, और आप पीछे देख रहे होंगे कांच में कितनी ओस जम गई है चारों तरफ, आगे की तरफ भी पूरी ओस ही ओस है। अभी पूरी जैसे जैसे धूप आएगी वैसे वैसे क्लीन होगी आई थिंक, पर क्या ठंड है सुबह सुबह, इतना सुबह सुबह तो कभी उठने में आता नहीं है, तो गजब की ठंड लग रही है। मैं तो बिल्कुल शॉल स्वेटर सब डबल डबल ले लेके बैठी हूँ। आई होप अहमदाबाद में ठंड नहीं लगेगी इतनी, वहाँ तो नहीं लगेगी इतनी, पर गाड़ी में लगेगी, उसकी तो व्यवस्था पूरी है अपने पास, और मैं तो सो जाऊँगी मस्त। बस अब जर्नी स्टार्ट। हाँ पोहे खाऊंगी। आलू पराठा यहाँ का अच्छा है कैसे? ठीक है आती हूँ मैं, जितना फ्रेश मिल जाएगा। अभी हम आ गए हैं आसोपालो होटल में, जहाँ पर हम रेगुलर नाश्ता वगैरह करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, और अभी हम ब्रेक कर रहे हैं। हम अहमदाबाद आ चुके हैं, बस अब जहाँ पर काम है वहाँ पर हम निकलने वाले हैं, और बस अभी ये नेविगेशन पे रोड फाइंड हो रहा है कहाँ पर हमको जाना है, और मैं तो पूरे टाइम सोई थी, मुझे तो पता भी नहीं है कैसे अहमदाबाद आ गए, क्योंकि मुझे अहमदाबाद का ट्रैवल बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगता है। इसलिए हम लोग रिवर फ्रंट के सामने से होके जा रहे हैं, तो यहाँ पे दूर से इधर चुको, अगर ड्रोन उड़ाओ ना जो जस्ट दिखे, नहीं नदी है, नदी के किनारे पूरी पूरा रोड निकला हुआ है। अभी हम आए हैं चिकू के डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि चिकू की जो आईज़ का है वो 4 से 5 साल पहले लेसिक करवाया था, तो उनको क्या थोड़ा सा आईज़ में नंबर आ गया है, तो वही चेक करवाने के लिए आए कि नंबर क्यों आ गया है, जाएंगे हॉस्पिटल में। चिकू का चेकअप हो गया है, और अभी हम हॉस्पिटल से भी निकल गए। चिकू का क्या था ना कि कुछ टाइम पहले लेसिक करवाया था 5 ईयर्स पहले, पर वापस से नंबर आ गए, तो उसी के चेकअप के लिए आए थे, तो डॉक्टर ने बोला है कि वापस से ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अब जाते हैं घर पे, मम्मी पापा से कंसल्ट करते हैं क्या है क्या नहीं है, करवाना है जो भी हो। फिर अभी 3 मंथ्स हैं कुछ 5 ईयर्स कम्प्लीट होने में, तो तब तक ये लोग फ्री में करके देते हैं ऐसा है, तो चेक करेंगे जो भी होगा, रिजल्ट जो भी लेंगे वो आपको पता है बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल कोई मूड नहीं है, और अब बाकी दूसरे कामों में जा रहे हैं।
कैमरे को तो यहाँ नीचे हाँ मामा जी। अभी हम आ गए हैं अल्फा मॉल में और ये ही अटे जी करवानी है चेंज। और इस अट्टे जी के जो भी वारंटी कार्ड्स थे वो गाड़ी में ही रह गए, तो जी को लेने के लिए गए हैं। एंड मेरी जो गोप्रो की बैटरी है वो भी कार में ही रह गई है, वो भी लेने गए ताकि व्लॉग करते करते कहीं स्टॉप नहीं होना पड़ जाए। अभी सारे काम हो चुके हैं और अब हम खाना वगैरह तो कुछ खाया नहीं, जो सुबह नाश्ता किया था उसी से पूरा दिन चल रहे थे। और अभी थोड़ा सा फास्ट फूड खाया है यहीं पर बाहर, एक दो स्टॉल्स थी वहाँ पर। और शॉप का भी काम कर दिया है पूरा कंप्लीट और अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो अब रास्ते में जाते समय कुछ खाएँगे, अभी तो हालांकि पेट थोड़ा बढ़ लिया इसलिए ठीक है। और आप देख सकते हो और यहाँ पर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, फालतू में स्वेटर शॉल वगैरह सब लेके आई हूँ, एक बिल्कुल भी ठंड नहीं है यहाँ पर। तो घर पर आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गए, पूरा दिन मैं कुछ भी इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमको ज़्यादा हॉस्पिटल में ही काम था और बाकी सब शॉप का काम था। ज़्यादा क्या शूट करती हूँ करके कुछ किया नहीं, और मोस्ट छः घंटे ऐसे कुछ तो हॉस्पिटल में ही निकल गए और आते आते भी थक गए काफ़ी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।